भारतीय ओपनिंग बल्लेबाज केएल राहुल और साथ ही बॉलीवुड की एक्ट्रेस आथिया शेट्टी लगातार चर्चा में रहते हैं। दोनों लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और दोनों की शादी की चर्चा लगातार आती रहती है, लेकिन अब उनकी शादी कब होगी इस पर मोहर लग चुकी है और साथ ही खुद केएल राहुल ने बीसीसीआई को इस बात की जानकारी दे दी है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया है कि केएल राहुल और आथिया शेट्टी T20 वर्ल्ड कप के बाद शादी कर सकते हैं। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई के एक सूत्र ने बताया है कि केएल राहुल ने अपनी गर्लफ्रेंड से जनवरी में शादी करने की बात कही है और इस बात की जानकारी बीसीसीआई को दे दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त टीम इंडिया एशिया कप खेल रही है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज होनी है, इसके तुरंत बाद ही T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है और जनवरी में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के साथ सीरीज खेलनी है। इसी के बाद केएल राहुल और आथिया शेट्टी दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे और इस बात की जानकारी केएल राहुल ने बीसीसीआई को दे दी है। जानकारी के मुताबिक T20 वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड दौरे के बाद दोनों महाराष्ट्र में शादी करेंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि आथिया शेट्टी और केएल राहुल के महाराष्ट्र में स्थित 4BHK फ्लैट पर ऑर्गेनाइजर्स ने आना शुरू कर दिया है, उन्होंने रेकी करना शुरू कर दिया है और साथ ही तैयारियों शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि 3 साल से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि केएल राहुल और आथिया शेट्टी की शादी सुनील शेट्टी के खंडाला स्थित बंगले में भी हो सकती है। बहरहाल घर में कुछ वेडिंग फंक्शन होंगे, इसी के बाद दोनों शादी के बंधन में बंधेंगे। हालांकि अभी तक शादी की तारीखें तय नहीं है। वहीं बात करें अगर आथिया शेट्टी और केएल राहुल की, तो कई बार आथिया शेट्टी को केएल राहुल के सपोर्ट में स्टेडियम में देखा जाता है। इसके अलावा सुनील शेट्टी ने भी हाल ही में बताया था कि केएल राहुल को कई सीरीज खेलनी है, वर्ल्ड कप खेलना है जो कि महत्वपूर्ण है, जब बच्चों की अनुमति होगी तब दोनों शादी कर लेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि केएल राहुल इस वक्त एशिया कप में भारतीय टीम का हिस्सा है। उनके प्रदर्शन की बात करें तो उनका फ्लॉप शो जारी है। बात करें अगर केएल राहुल की, तो वह श्रीलंका के खिलाफ हाल ही में हुए मुकाबले में केवल 6 रन बनाकर आउट हो गए। इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ भी उनका बल्ला नहीं चला और वह अब तक 4 मैचों में कुल 70 रन ही बना पाए हैं। केएल राहुल का स्ट्राइक रेट भी 104 का ही रहा है, जो T20 में काफी कम माना जाता है। बहरहाल दोनों की शादी की खबरों पर तो ब्रेक लग चुका है, हालांकि अभी तारीख तय होना बाकी है। क्या कुछ आपकी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स के अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।